उन लोगों में से हैं जो 6 से 8 घंटे मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स यूज करते रहते हैं, या क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके दिन की शुरुआत मोबाइल से और दिन खत्म मोबाइल से होता है? क्या आपके बच्चे पूरे दिन मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स पर लगे रहते हैं? क्या आप रात को ठीक से सो नहीं पाते और सुबह अपने आप को थका हुआ या आलसी पाते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये छोटा सा मोबाइल फोन कैंसर की तरह आपकी आंख की रोशनी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है, कैसे ये छोटा सा मोबाइल फोन या कंप्यूटर आज ओबेसिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में पैदा कर रहा है, कैसे ये छोटा सा मोबाइल फोन आपकी स्लीप वेक साइकिल, जगने का टाइम और सोने के टाइम को बदल सकता है, इन स्क्रीन से आंखों में क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। तो आपका स्वागत करता हूं मेरे पहले एपिसोड यू मी एंड आई फिटनेस में। सबसे कॉमन आंखों की प्रॉब्लम जो लंबे घंटों तक स्क्रीन पे देखने से होती है उसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन। ये डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आजकल हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक मानी हुई बीमारी है। यूजुअली लंबा कंप्यूटर पे काम करने से आंखों पे स्ट्रेन आना, हेडेक आना, आंखों में दर्द होना, ड्राइनेस फील होना या कभी कभार धुंधला दिखना, यूजुअली ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि जब आप लंबे समय तक एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो जो आपकी आंखों का झपकने का रेट है या जो आंखों का ब्लिंक रेट है कि आंख एक मिनट में कितनी बार झपकनी चाहिए, जो यूजुअली 13 से 16 पर मिनट रहता है, वो कम होके 6 से 8 पर मिनट रह जाता है। इसकी वजह से जो आपकी आंखों में आंसू बन रहे हैं वो प्रॉपरली आंखों के ऊपर स्प्रेड नहीं हो पाते और इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स बनते हैं। यूजुअली अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर हो या आपकी आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंप्यूटर यूज से, तो आज आपको बेसिक टिप्स दे रहा हूँ कैसे आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप है 20-20-20 का मतलब है कि 20 मिनट बाद कंप्यूटर यूज के 20 फुट दूर देख के आंखों को 20 बार ब्लिंक कीजिए। इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपके कमरे में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का इस्तेमाल करिए या एंटी ग्लेयर चश्मे का इस्तेमाल कीजिए। जो आपका कंप्यूटर है और जो आपका पोस्चर है उसमें कुछ चेंजेस लाइए। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपकी आंख से 15 से 20 डिग्री नीचे होनी चाहिए और उसका डिस्टेंस करीब 0.5 से 1 मीटर होना चाहिए आपकी आंखों से। अगर इन सब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप कोई भी एक बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश टीयर्स या सिस्टेन अल्ट्रा आती है उस टाइप की ड्रॉप यूज कर सकते हैं दिन में 4 बार, और फिर भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो जाके अपने आंखों के डॉक्टर से मिलिए। कुछ और चेंजेस जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने कंप्यूटर का फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि आंखों पर स्ट्रेन ना आए। अगर एटमॉस्फेयर ड्राई है या वेदर ड्राई हो रहा है तो ह्यूमिडिफायर का यूज़ करिए। अगर आप एसी में बैठे हैं तो ध्यान रखिए कि एसी का ब्लो डायरेक्टली आपकी आंखों पे ना आए ताकि वो जल्दी जल्दी ड्राई ना होए। दूसरी प्रॉब्लम जो कंटिन्यूस मोबाइल फ़ोन के यूज़ से आती है उसको कहते हैं हम ट्रांजिएंट विजन लॉस। ये प्रॉब्लम यूजुअली जो इंसान रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है उनमें देखी जाती है कि कुछ टाइम के लिए वो इंसान एक आंख से ब्लाइंड हो जाता है या अंधा हो जाता है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप करवट लेके एक साइड पे लेटे होते हैं जिससे एक आंख तो बिस्तर से या तकिए से बंद हो जाती है और दूसरी आंख से आप मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं। तो एक आंख मोबाइल के लिए अडाप्ट कर जाती है, लाइट के लिए अडाप्ट कर जाती है, दूसरी आंख क्योंकि बंद है वो अंधेरे के लिए अडाप्ट कर जाती है। तो जब मोबाइल फ़ोन आप बंद करते हैं तो कुछ टाइम के लिए एक आंख से आपको नहीं दिखता। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्रांजिएंट विजन लॉस। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है तो अपने आई डॉक्टर से मिलिए, उनको पूरी बात बताइए कि ये सिचुएशन थी और इसके बाद दिखना बंद हो गया, ताकि वो ट्रांजिएंट विजन लॉस को किसी और बीमारी के साथ कंफ्यूज ना कर ले। तीसरी प्रॉब्लम जो मोबाइल फोन से हो सकती है वो है पर्दे का डैमेज ब्लू लाइट से। देखिए आप इस तरह से समझिए कि मोबाइल फोन से जो लाइट निकल रही है उसमें एक बहुत ही डेंजरस लाइट होती है जिसको कहते हैं ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट को हम हाई एनर्जी विजिबल लाइट भी कहते हैं।
ये लाइट डायरेक्टली आपके आंख के अंदर घुस के जो आपके पर्दे के सेल्स होते हैं या जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनको धीरे 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 डैमेज करती जाती है और धीरे 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 आपकी विजन जो है वो कम होती जाती है। और आगे चल के यही चीज मैक्यूलर डिजनरेशन या ARMD की प्रॉब्लम बन के प्रेजेंट करती है। एक और प्रॉब्लम जो ब्लू लाइट की वजह से होती है वो है स्लीप वेक साइकिल की डिस्टरबेंस या आपके सर्केडियन रिदम के डिस्टरबेंस। देखिए बॉडी का एक रिदम होता है कि किस टाइम उसको नींद आती है और किस टाइम उसको जगना होता है। ये पूरा रिदम जो है एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सुबह के टाइम जब आप सूरज की रोशनी कमरे में आती है तो ये बॉडी में कम हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी में अलर्टनेस या फुर्ती आती है। और रात के टाइम जब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा एम्बर कलर का हो जाता है मेलाटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है जिससे आपको नींद आती है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप रात को मोबाइल फोन्स देखते हैं तो मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके बॉडी को ये सिग्नल देती है कि अभी तो दिन है और आपकी बॉडी में मेलाटोनिन जो है वो रिलीज नहीं होता। इसकी वजह से बहुत से जो यंगस्टर्स हैं, बहुत से लोग जो रात को मोबाइल फोन यूज करते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। और फिर जब बॉडी थक जाती है, टूट जाती है, तो उनको एक डिस्टर्ब स्लीप आती है जिसकी वजह से वो सुबह के टाइम अलर्ट या फिर एक्टिव फील नहीं करते। तो अगर आप ब्लू लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक टिप्स हैं जो अपने लाइफस्टाइल में आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और कहीं भी आपको मिल सकते हैं। ये ग्लासेस जो ब्लू लाइट है उसको आपकी आई में एंटर नहीं करने देते जिससे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आजकल आपके मोबाइल फोन या टैबलेट्स में इनबिल्ट ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर बना हुआ आता है, कई नाम से ये आता है नाइट शिफ्ट, नाइट मोड, ब्लू लाइट फिल्टर। तो ये ऐप्स को या इन फीचर्स को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले पहले आप शेड्यूल कर सकते हैं। आजकल ब्लू लाइट फिल्टर स्क्रीन्स भी आ गई हैं जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर लगा सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपने कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एक FLUX नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे ब्लू लाइट जो है वो फिल्टर हो जाती है। आप ये रियलाइज करेंगे कि जब भी आप ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर यूज करते हैं तो स्क्रीन का कलर जो है थोड़ा सा येलोइश या एम्बरिश हो जाता है और जो व्हाइट लाइट है या जो ब्लू लाइट है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो एक और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जो मोबाइल फोन से हो सकती है वो है बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आना मोबाइल फोन के यूज से। देखिए इस बात पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत स्टडी हो चुकी है और अब ये बात एक प्रूवन फैक्ट है कि कंटिन्यूस मोबाइल फोन के यूज से जो बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं 10 साल की उम्र तक उनमें आंखों का चश्मे का नंबर आ सकता है, मायोपिया या माइनस नंबर। देखिए ये होता इसलिए है कि हमारी आंखें जो हैं वो नेचुरली डिस्टेंस या दूर का देखने के लिए बनी है। जब बच्चे कंटिन्यूसली टैबलेट्स या मोबाइल फोन्स यूज करते हैं तो वो अपनी आंखों पे स्ट्रेस डालते हैं नज़दीक का फोकस करने के लिए। और जब ये स्ट्रेस कंटिन्यूसली डलता रहता है डेवलपिंग स्टेज में यानी कि 10 साल की उम्र तक, तो बॉडी को ये सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि नज़दीक का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, दूर का देखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी वजह से आंखों की जो शेप है, आंखों का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आंखों में माइनस या मायोपिया का नंबर आ जाता है। तो ये मेरी सजेशन है कि अगर आपके बच्चे हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, 10 साल की उम्र से कम हैं, उनका खासकर ध्यान रखिए कि वो मोबाइल फोन्स ठीक है यूज़ कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूसली कई घंटों तक यूज़ ना करें। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कई पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आंखों में जब मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से थकावट होती है तो वो आंखों में पानी को छपकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही बुरी आदत है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखें ड्राई या सूखी सूखी फील होती हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप एक अच्छी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल के उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन आंखों में पानी स्प्लैश करना एक बहुत ही बुरी आदत है क्योंकि जब भी आप अपने आंखों में पानी को स्प्लैश करते हैं या छींटे मारते हैं कुछ मिनटों के लिए तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही पानी जो आपकी आंखों में ऑयल्स होते हैं, जो आपकी आंसू की लेयर है उसको स्टेबल करके रखते हैं,
वो वॉश आउट कर देते हैं, जिससे इमिजिएटली तो शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे लेकिन लॉन्ग टाइम में ये आपकी आंखों के लिए एक नुकसानदायक प्रूव होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आंखों में डालने के लिए हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आती हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, क्या उनको डालने से वाकई आंखों में कोई फायदा होता है, तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।